पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन देश को दी तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने गांधीनगर में दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। हरी झंडी दिखाते वक्त लगे भारत माता की जय के नारे। वंदे भारत ट्रेन को मेक इन इंडिया के तहत किया गया है तैयार। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम है ट्रेन की रफ्तार। मोदी ने अहमदाबाद को मेट्रो की सौगात। मेट्रो में सफर के दौरान की आम लोगों से बात। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने किया मां अंबा के दर्शन। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के डोंबिवली में सौतेली मां की पिटाई से 3.5 साल के बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बारामती में नया मोबाइल नहीं मिलने से नाराज 9वीं के छात्र ने किया आत्महत्या। मीरा रोड इलाके में महिला पुलिसकर्मी पर पति पत्नी ने किया हमला। बिना चालान दिए जाने की कोशिश कर रहे थे। नागपुर में चोरों ने यूट्यूब से सीखकर 33 एटीएम से लाखों रुपए उड़ाए। पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 3 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबी महिला। मोबाइल से महिला ने दबे होने की जानकारी दी। आशे में तूफान तेज हवा के कारण गिरी टोल प्लाजा की पूरी छत। गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। अमरावती में चिलकधारा की पैदल देवी यात्रा में शामिल हुई सांसद नवनीत राणा। श्रद्धालुओं के साथ झूमी। सूरत में फर्जी नोटों का जखीरा जब्त। एक एम्बुलेंस से लाए जा रहे थे 25.80 करोड़ रुपए के नकली नोट। एम्बुलेंस में 6 बक्से में रखे गए थे 2000 की गड्डियों वाले नोट। गिरफ्तार ड्राइवर से सवाल जवाब। सूरत पुलिस ने पकड़ी 1.5 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स। फिटकरी बताकर ले जाए जा रहे थे ड्रग्स के पैकेट। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मशहूर आशा पारेख को फिल्म का सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। अजय देवगन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। फिल्म तानाजी के लिए सम्मानित किया गया। सूर्या को भी मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। फिल्म सूराराई पुतूर के लिए सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट लॉन्च करेंगी मैटरनिटी वियर कलेक्शन। 2 साल पहले आलिया ने शुरू की थी बच्चों के कपड़ों की ब्रांड। आज रिलीज हुई ऋतिक और सैफ की फिल्म विक्रम वेधा। क्रिटिक्स ने तारीफ की है।